नमस्कार, मैं अनामिका बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बिहार की 25 खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना के गांधी मैदान में फहराया तिरंगा और कहा, सीएम नीतीश कुमार ने सभी बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जहां उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिहार में कानून का राज कायम किया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसका विरोध करते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चलाए गए कार्य 2 अक्टूबर के पहले शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर नीतीश सरकार ने बहनों को दिया नायाब तोहफा। भाई बहन के त्यौहार वाले अवसर पर दिए गए तोहफे में महिलाओं के लिए राज्य के सभी सरकारी बसों की सेवा फ्री कर दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर परिवहन विभाग ने ये सुविधा बिहार के सभी जिलों समेत पटना में भी लागू की गई, जहां चलने वाली सरकारी बसों में महिलाएं और बच्चियां मुफ्त में सफर करती देखी गई। सिपाही बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए जरूरी खबर। सिपाही बहाली की प्रक्रिया में बदलाव की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक सिपाही भर्ती के रिक्त पदों के 1% पर अब खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 3% पद पहले की तरह आरक्षित रहेंगे। इसके बाद बचे 97% पदों का 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हालांकि इस 35% आरक्षण कोटे के लिए योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर कोटिवार योग्य पुरुषों से इसे भरा जाएगा। आज़ादी का मूल्य उद्देश्य है सच्ची मुस्कान। जिला प्रशासन की ओर से गांधी स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश के हर आदमी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान बिखेरना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो कि असली आज़ादी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का मूल्य उद्देश्य भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक भावनाओं से युक्त देश बनाना है। बिहार के सभी थानों में हुए बदलाव। बिहार में सभी थानों में पुलिस थाने के अंतर्गत बदलावों में राज्य के 994 थानों में पुलिस की 2 टीम नजर आएगी, जिसमें एक कानून व्यवस्था संभालने की और दूसरे की जिम्मेदारी अनुसंधान की है। इधर जोनल आईजी के पद को समाप्त कर दिया गया है और इनकी जगह सिर्फ रेंज रहेगा। पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को जोन की जगह पुलिस रेंज और बेगूसराय को नया पुलिस रेंज बना दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया करारा जवाब। उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि जहां देश की पूरी जनता कश्मीर पर धारा 370 के हटाए जाने से खुश है, लेकिन इसकी वजह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सुकून से नहीं हैं। तेजस्वी यादव को जहां पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों की चिंता है, तो इधर राहुल गांधी को अलगाववादियों से मिलने की शर्त पर श्रीनगर जाना चाहते थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर पटना से गिरफ्तार। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर को सृजन घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में नवीन कुमार भागलपुर स्थित बैंक शाखा में मैनेजर थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि। अटल बिहारी का जन्म सन 1924 और अंतिम विदाई साल 2018 में हुआ। इनकी यादों को आज भी बिहार अपने में समेटे हैं। उनकी पुण्यतिथि बिहार समेत पूरे देश में मनाई गई। IGIMS में सर्जरी कराना अब होगा आसान। पटना के IGIMS में सर्जरी कराने के लिए 3 नई OT खुलेंगे, जिसमें से 1 पॉजिटिव केस के लिए होंगे, बाकी के 2 ट्रांसप्लांट के लिए काम करेंगे। कांग्रेस और राजद की हालत दयनीय। राजद के नेता तेजस्वी यादव कहाँ हैं किसी को खबर तक नहीं है। उनके अभाव में पार्टी की स्थिति चिंताजनक है। वहीं बिहार में कांग्रेस की भी हालत दयनीय है। मांझी विरोध पार्टी से मिल रहे हैं तो कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं। रग्बी टीम ने हासिल किया मुकाम। बिहार की टीम ने ओलंपिक खेल में चैंपियन बनकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने देश के तीनों सेनाओं का एक प्रमुख बनाने की घोषणा की। देश में फिलहाल तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेनाओं के अलग अलग प्रमुख होने के कारण तीनों के बीच तालमेल बनाए रखने का काम सरकार को खुद करना होता था। अब चीफ ऑफ डिफेंस तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखेगा, जिससे सेना को काम करने में सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस के नाम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। राजनीति में तेजस्वी यादव की वापसी। मानसून सत्र से पहले तेजस्वी के पटना लौटने की खबरों के बीच खबर यह भी है कि वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। RJT के विधायक भाई वीरेंद्र यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि तेजस्वी की तबीयत ठीक होते ही वो पटना आएंगे और उसके बाद सीधे मुजफ्फरपुर जाएंगे। 12वीं पास छात्रों के लिए स्कॉलरशिप पाने का मौका। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 50 से 75% अंक पाने वालों के लिए सुनहरा मौका दिया है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गुरुवार को बार विद्यालय परीक्षा समिति में हुई बैठक के दौरान अध्यक्ष आनंद किशोर ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में जानकारी दी और कहा 13,382 विद्यार्थियों को पात्र चुना गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarship.gov.in पर इसके लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। युवाओं के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कई पदों पर निकली बहाली। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और जूनियर लैब असिस्टेंट के साथ फील्ड अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें मल्टीटास्किंग के लिए 2 पद, जूनियर लैब असिस्टेंट 6 पद के लिए प्रक्रिया जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट bspcb.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शेल्टर होम के पदों पर निकली भर्तियां। शेल्टर होम पदों के लिए डॉक्टरों से लेकर काउंसलरों की तैनाती की जाएगी, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग लगभग 1400 पदों के लिए नियुक्ति करने जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त के बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरी भूमि में सरकारी भवन में नक्सलियों ने फहराया काला तिरंगा। एक तरफ जहां देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुआकोंडा थाना क्षेत्र के अंदरूनी इलाके में बने एक सरकारी भवन में सुबह तिरंगा फहराने के बाद कुछ नक्सली आ गए। ये सभी हथियारों से लैस थे। इसके बाद उन्होंने तिरंगे के बगल में अपना काला झंडा फहराया। बिहारी भाई ने अपनी बहन को दिया अनूठा उपहार। एक तरफ जहां 15 अगस्त के मौके पर पूरा देश स्वाधीनता दिवस और राखी बंधन का त्यौहार मना रहा था, वहीं एक भाई ने अपनी बहन को राखी में शौचालय का उपहार देकर स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया। कटिहार जिले में हसनगंज प्रखंड के रामपुर गांव में रहने वाले भाई ने अपनी बहन ललिता देवी को ये उपहार दिया। कल्याणपुर में रात सोया हुआ 2 महीने का बच्चा हुआ गायब। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र खरसंड पश्चिमी पंचायत के जुरखा डीह में चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां रात में एक 2 महीने का बच्चा कौन ले गया और कहां ले गया इसकी खबर किसी को नहीं है। भगीरथपुर पंचायत में आयोजित किया गया वन महोत्सव। पौधारोपण महोत्सव के अंतर्गत किए गए आयोजन में पंचायत समिति के सदस्य सूरज कुमार ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इसका आयोजन भाजपा के प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राम बालक पासवान के द्वारा किया गया। इसमें कल्याणपुर थाना के ASI परशुराम झा ने भी भाग लिया। पटना में फुलवारी शरीफ इलाके ईसोपुर नहर के पास विवाद के दौरान हुई घटना। पटना में एक आपसी पारिवारिक विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। परिवार वालों के मुताबिक संगीता और उसके पति में पारिवारिक विवाद चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश पर संगीता अपने ससुराल खोदावंतपुर में रह रही थी, जहां संगीता को पिछले काफी दिनों से ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। वायरल हो रही है मोनालिसा की वीडियो। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा फिल्म और टीवी के साथ ही साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी अदाएं काफ़ी फब रही हैं और कुछ ही समय में 13,000 लाइक और कमेंट आ चुके। दिनेश की निरहुआ द लीडर होगी रिलीज। दिनेश लाल यादव निरहुआ द लीडर नाम की फिल्म में बतौर नेता के रूप में पर्दे पर आएंगे और उनके विपक्ष की अभिनेत्री होंगी आम्रपाली दुबे। यह शूटिंग 26 अगस्त से शुरू होगी और दिसंबर में यह फिल्म रिलीज होगी। पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार की बड़ाई। पीएम मोदी ने ऐसी बातों का जिक्र किया जो बिहार से जुड़ता है, जिसमें पहला उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर नल का जल योजना का जिक्र नए तरीके से किया और उन्हें जल मिशन का नाम दिया। वहीं बिहार में पहले से प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों के लिए जागरूकता फैलाने की बात कही है। जाने बिहार का मौसम का हाल। औरंगाबाद में हल्की बारिश, वहीं फरबिसगंज, गया, मधुबनी, मोतिहारी, सुपौल, पटना, छपरा, भागलपुर में गर्जना और तेज बारिश होने की संभावना दिख रही है। अगर आप बिहार की ताज़ा खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।